रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ चलो, अरे शांत हो जाओ, लास्ट पेज पे जाओ। एस आई इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड ए इज इक्वल टू पी इन टू द ब्रैकेट 1 + RN/100। ये दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, ये दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूले। कोई डाउट? अब कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लेते हैं। हंड्रेड, यहां पे आपको अमाउंट मिलता है, ए इज इक्वल टू पी इन टू द ब्रैकेट 1 + R/100 रेस टू एन। ये आज के डेट के इन्वेस्टेड पैसे हैं, ये मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं। दिस इज माय प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज माय फ्यूचर आउटकम। याददाश्त तेज हो रही है कि नहीं हो रही है? ये थोड़ा आने में कभी कभी टाइम लग जाता है, तो आप थोड़ा सा खुद के साथ पेशेंट रहिए, तो ये आ जाता है, चिंता ना करो। एक मिनट, हाँ सेकेंड पॉइंट, इन द सेम थिंग, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, ए इज इक्वल टू पी इन टू द ब्रैकेट 1 - R/100 रेस टू एन। मैं जानना चाहती हूं यह माइनस का क्या इंपॉर्टेंस है, किसी को आता है? डेप्रिसिएशन में क्या होता है? आज अगर मेरी 1 लाख की मशीनरी है तो कल डेप्रिशिएट होके फ्यूचर में मुझे कम वैल्यू मिलेगा, लेकिन अगर बैंक में हम कुछ पैसे रखते हैं तो फ्यूचर में वो वैल्यू होता है अप्रिशिएट। तो अप्रिशिएट होता है तो प्लस, डेप्रिशिएट होता है तो माइनस। कल को वही प्रॉब्लम में आपके पास ऐसा प्रॉब्लम हो कि कोई लैंड है, जमीन है जो एप्रिशिएट हो रही है, तब आप डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं करोगे। समझे आप कहाँ क्या करना है ना? तो डेप्रिसिएशन में वो माइनस आएगा, वही अप्रिशिएटिंग वैल्यू में प्लस आ जाएगा, है ना? उतना ही क्रक्स में पढ़ना है जो आज फाउंडेशन में फ्यूचर इंटर एंड फाइनल में यूजफुल हो जाए, एंड आपके रियल लाइफ जॉब में भी यूजफुल हो जाए। यू नेवर नो कौन से प्रोजेक्ट पे कहाँ जॉब मिले, लेकिन यू मस्ट बी सूटेबल, एटलीस्ट आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। चलो, लिखा आपने, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट वन, एक मिनट। अब यहां पे ना कुछ चीजें हम लोग फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी जैसे कुछ करने वाले हैं। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेक्शन जो है बैंक के साथ एक ही बार होगा, है ना? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप डायरेक्टली क्या करोगे, पैसे लेने के लिए जाओगे, यानी कि पैसों की लेन देन एक एक बार हो गई, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। वही अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो, तो हर महीने जाओगे या हर 2 महीने जाओगे, जैसा भी तुम्हारा एग्रीमेंट है बैंक के साथ, है ना? अगर हर महीने गए तो सच बोलूँ तो कंपाउंडिंग मंथली हो जाएगी। हर 2 महीनों में गए तो कंपाउंडिंग 2 मंथली हो जाएगी, क्योंकि आप पैसे दोगे ना तो बैंक के पास जो भी पैसे
और प्रीवियस पैसे और इंटरेस्ट है, वो सब सारा अमाउंट एक साथ जोड़ देंगे। और अब इस नई एक्यूमुलेटेड अमाउंट को हम दोबारा से ट्रीट करेंगे एज प्रिंसिपल। इस इवेंट को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। जैसे ऑलरेडी आपने 1000 रुपये मेरे पास भरे हैं, आपने कहा मैं हर महीने आऊंगा, तो जब आप अगले महीने आएंगे तो आपके पिछले महीने के 1000, पिछले महीने का 1000 रुपये का इंटरेस्ट और इस महीने के आपने जो 1000 दिए हैं वो सब साथ में जुड़ जाएगा। ये सब आपका नया प्रिंसिपल है। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि जितने पैसे मेरे पास आपके पड़े हैं उस पर इंटरेस्ट पे करना एज अ बैंक मेरे लिए मैंडेटरी है ना। तो हर बार आप मेरे पास एडिशनल पैसे दोगे, आपके एडिशनल पैसे मेरे पास जमा हो जाएंगे, तो उसका मतलब क्या है, मुझे ना हर बार इंटरेस्ट नए से कैलकुलेट करना होगा हर महीने। अगर आप बोलते हो आपके पास पैसे देने के लिए हम 6 महीनों में आएंगे, तो यही इवेंट में 6 महीने में रिपीट करूंगी। तो जब आप 6 महीने के वाला पेमेंट नया देने आओगे, तो पिछला एक्यूमुलेटेड पेमेंट, पिछला एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट और अभी का नया पैसा, ये 3 एलिमेंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे और दोबारा से इंटरेस्ट हम नया कैलकुलेट करेंगे। पक्का समझा ये? कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैसे आज देते हैं, जैसे बहुत बड़ा रकम आज ही भर लिया, 1 करोड़ रुपये आज ही दे दिया, उसको बोला ये तुम आज रखो अपने पास, उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट चाहिए, जिसका टाइम पीरियड बहुत यूज होता है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इंटरेस्ट चाहिए, या मुझे जब तक मैं ये पैसे विड्रॉ ना करूं मुझे इंटरेस्ट चाहिए। ऐसा कौन करेगा? ऐसा कोई भी बंदा जो अब रिटायर्ड है, जिसने पूरी लाइफ मेहनत की, बिजनेस किया, बहुत पैसे कमाए, लेकिन अब बेचारा नहीं चाहता कि खुद इन्वेस्टमेंट का तकलीफ उठाए, तो बोलता है मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, ये लो तुम रखो। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुमने इंटरेस्ट पे करना क्या है, मैंडेटरी है। क्लियर? ऐसी वाली एन्युइटी को, और आपको इंटरेस्ट कैसे हर साल पे करना है, ऐसी वाली एन्युइटी को परपीचुअल एन्युइटी भी बोलते हैं। परपीचुअल का मतलब क्या होता है, सच बोलो तो उसका कोई एंड नहीं होता। जैसे गॉड इज परपीचुअल, गॉड क्यों परपीचुअल है, क्योंकि उनकी डेथ नहीं होती, उनका कोई एंड नहीं है। सो ऐसी एन्युइटी जिसका कोई एंड नहीं है उसको हम परपीचुइटी बोलते हैं। अभी के लिए आप हेडिंग देके छोड़ देना, मैं थोड़ी देर में उसका एक ऊपर एक प्रॉब्लम आएगा तो मैं उसका ये बता दूंगी फॉर्मूला परपीचुइटी। ब्रैकेट में लिखना नेवर एंडिंग। फोर्थ केस, सम टू बी रिटर्न्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, हाँ 2-3 लाइन्स ऐसे कुछ छोड़ देना। सम टू बी रिटर्न्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, एक मिनट, सम टू बी रिटर्न्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, तो भी पैसे साथ में देने नहीं आपको, मिलके देने हैं। तो वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर इंटू वन माइनस, एक मिनट, इंटू वन माइनस 1/1 r^n। Where v is amount borrowed, and p is the amount of installments. In short, this is present value जो आज पे करनी है।
आर और एन बताने की जरूरत नहीं है ना, एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो लिख के लेना, मैं लिख के नहीं दे रही हूँ, आपको चाहिए तो ले लेना जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अमाउंट डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एवरी ईयर, हर साल के बिगिनिंग में आपने कुछ पैसे जमा किए, ए इज इक्वल टू P into 1 plus R upon R into 1 plus R is to N minus 1. हाँ जी, नहीं मुझे आपका सवाल नहीं समझा। हाँ फॉर्मूला इतना ही है, वो बस आपको याद करना है। वेयर पी इज अमाउंट डिपॉजिटेड एवरी ईयर Now the next is calculating present value of annuity. Calculating PV of annuity. Calculate PV of annuity. PV of annuity के लिए क्या करोगे, P is equal to A upon R into the bracket 1 minus 1 upon 1 plus R raised to N where P is present value of annuity, A is future value of annuity. पूरा ही कवर करी मॉड्यूल का, चलो परपीचुअटी इज इक्वल टू, परपीचुअटी बता देती हूँ, वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर
पी इज इक्वल टू पी अपॉन आर, वेर पी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी एंड वी इज वैल्यू ऑफ परपेचुइटी. और कुछ लगा तो बता दूंगी, फिलहाल के लिए इतना ठीक है. और कुछ लगा तो फ्यूचर में बता दूंगी, फिलहाल को कुछ लगा तो इतना ठीक है फिलहाल. मॉड्यूल मेरा गोल है कि मैं सारा ही करा दूं. आप मॉड्यूल करोगे तो लाइफ के लिए सेट हो, है ना, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसमें अब बस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी है, सिक्स्थ में, सिक्स्थ कर दो. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली दैट इज लेफ्ट. उसका टाइम आएगा तो बता दूंगी. इतने ही 5-6 फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको याद रखना बहुत जरूरी है. फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ते हैं और लाइफ में ये पहली बार भी सीख रहे हैं. फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो वो अच्छे से आना चाहिए. FM आपको दोबारा से इंटर में भी होगा. जाए आगे. अब शुरू से देखते हैं, ये क्वेश्चन बैंक है आपके मॉड्यूल का. 21st हुआ है क्या? 21st प्रॉब्लम हुआ है, सब लोग चेक करो. नहीं हुआ है, ठीक है. 21st पढ़ो. AMS and company borrows 120,000 rupees for 1 year at 15% annual interest, जिसकी कंपाउंडिंग होती है मंथली. यानी कि एक साल में आपका टाइम पीरियड हो जाएगा 1 into 12, एंड एक साल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा R upon 12, जो हो जाएगा 15/12, which is nothing but 0.0125. ये समझा कि नहीं समझा देखो. अगर कंपाउंडिंग मंथली होती है तो वो इवेंट साल में कितनी बार होगा? 12 टाइम्स होगा. पहले इतना ही करो, स्टेप्स में जाओ, स्पीड पकड़ो, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होता. कितने लोगों की जितने चैप्टर्स पढ़ा के हुए हैं वो अच्छे से हो गए, रिवाइज कर लो. जिनके नहीं हुए हैं, YouTube पे सब कुछ सेव्ड है, दोबारा से एक बार देख लेना. आपका हो गया? सारे हो गए? कौन से? पूरा देखा है आपने फर्स्ट हिस्से? दोबारा से देखना, कल मुझे बताना क्या कंडीशन है. क्लास जहां तक पॉसिबल है ऑफलाइन ही अटेंड किया करो यार, ऑफलाइन का इम्पैक्ट बहुत अलग होता है. यस, ऑनलाइन भी हम करते हैं, लेकिन जिनके लिए पॉसिबल है ऑफलाइन आ जाओ. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग क्या करोगे गाइस? फाइंड मंथली पेमेंट पूछा है. मंथली इंस्टॉलमेंट्स के लिए कुछ आइडिया है आपके पास? कुछ है क्या? इंस्टॉलमेंट्स पेड इन मंथ, ऐसा कुछ दिया है? मैंने लिखा है ना, हाँ. ये देखो, मिला कि नहीं मिला? सम टू बी रिटर्न्ड इन इंस्टॉलमेंट्स दिखाई दिया. ये देखो कहाँ है? देखो मेरा कहाँ है? देखो वहीं पे आपकी नोटबुक में होगा. मिला? ये वही प्रॉब्लम है. एवरी टाइम आपको जो भी प्रॉब्लम दिखता है, पहले फॉर्मूले में जाके देखना है कौन सा यूज करना है. आपको समझा मैंने कैसे डिसाइड किया? यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट है प्रॉब्लम्स में, वहां पे भी इंस्टॉलमेंट है. चलो फॉर्मूला लिख के लेते हैं.
वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर, जल्दी करो, वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर, मैं एक मिनट अब लिख देती हूँ, एक मिनट मैं रेडी लिख रही हूँ, P इज इक्वल टू वी अपॉन आर, फिर क्या था, फिर क्या था, वन माइनस, हाँ वन माइनस वन अपॉन था क्या, वन प्लस आर टू द पावर एन, ठीक है। ये जो V है ये आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, आपकी फॉर्मूला देखो मुंडे नीचे, चौथे फॉर्मूले में देखो V आपका इंस्टॉलमेंट है कि नहीं है, कि क्या है, क्या मैंने फॉर्मूला करेक्ट लिखा है, पक्का P की जगह V लिखा है, V की जगह P लिखा है, हाँ कि नहीं, अब सही है ना, अब सही है। अब मुझे बताओ P क्या है, लिख के दिया है ना, द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, मतलब वो मेरे पास नहीं है, वो ही कैलकुलेट करनी है। एंड वी कितना है मेरा, वी दिया है 120,000, चलो सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं, 120,000 इज इक्वल टू, पी नहीं पता, आर कितना है 0.0125, तो वो कैसे आया, मैंने एक्चुअली डिवाइड कर दिया है, 15/12 जो है वो आ रहा है 1.25, और मैंने आर के लिए क्या करा, 100 से डिवाइड कर दिया, 1.25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.0125 इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 0.0125 रेस टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने होने वाले हैं 12, मैं यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले रही हूँ, तो 120,000 इंटू 0.0125 इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस, मुझे सबसे पहले इसकी वैल्यू बताओ 1.1, एक मिनट 1.0125 रेस टू 12, मुझे बस इतनी वैल्यू चाहिए, ज़्यादा घाई मत करना, ये मल्टीप्लाई करो और ये वैल्यू बता दो, वन पॉइंट 1.163 आने दो सबका। हितेश व्हाट्स योर आंसर, सिद्धांत कल ये फॉर्मूले रिवाइज करके आने हैं, अगर नहीं आए तो फिर मैं घर भेजने वाली हूँ, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, मैथ्स का टीचर फॉर अ रीजन मारपीट करता है स्कूल में, मैं मारपीट तो नहीं करूंगी लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया तो घर भेज दूंगी, हाँ 1.1, तो ये चीज आ रही है 1.16,
अब एक काम करो, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन बता दो। ये 120,000 इंटू 0.0125, कितना आ रहा है? 1500 या 15,000? क्या आ रहा है? अरे इतना सोच में क्यों पड़ गई पूरी क्लास? पहले मुझे इतना मल्टीप्लिकेशन तो बताओ। 1500, वेरी नाइस। अब एक काम करो, मेरे साथ जाओ ना, अब 1/1.16 बताओ। पॉइंट 86 के आसपास आ रहा है, हाँ 0.86। चलो अब 1 - 0.86 बताओ। पॉइंट 1.4, स्टेप वाइज जाओ ना, बस आखिरी स्टेप प्रिंसिपल आएगा 1500/0.14। माइनस में नहीं आ रहा है, 1 - 0.6 प्लस में ही आएगा। कितना? 10,000 करेक्ट, ठीक है चलेगा, 700 समथिंग ना। क्योंकि ना क्या होता है, ये 0.86 में लोग बहुत सारे नंबर्स यूज करते हैं, लेकिन आपका फिर भी ये करेक्ट दे देंगे। अगर आपके टाइम पे पूरा लिखने वाला एग्जाम आ गया, एमसीक्यूज नहीं, तब भी अगर आपने दिखा दिया आपने इतना ही लिया था, तो आपको फिर भी करेक्ट दे देंगे, तो चिंता मत करना। सबका आ गया? फोर्थ हुआ है, फोर्थ हुआ है क्या? नहीं हुआ है, ठीक है मैं समझाता हूं। एएलपी को कुछ पैसा 5 सालों के बाद मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इज 38,400, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, जिसकी कंपाउंडिंग होगी मंथली। कंपाउंडिंग मंथली मतलब साल में कितनी बार? 12 टाइम्स, है ना? एंड तो उसको पैसा कितना मिलेगा 5 सालों के बाद में, इज इट क्लियर? तो आपका आर जो है R/12 हो जाएगा, एंड एन जो है 12N हो जाएगा। तो आपका R क्या आएगा? 6/12, एंड N हो जाएगा 5 × 12, कितना आ गया? 60। R कितना आ गया? 0.5। ये पक्का समझा? N 12 टाइम्स हो गया, R 12 से डिवाइड हो गया, पहले इतना ही ले। थोड़ा टाइम देंगे तो आप भी फास्ट कर पाएंगे, बस प्रैक्टिस रेगुलरली चाहिए। क्लियर? चलो अब ना एक इम्पोर्टेंट चीज है मेरे सामने, ए इज इक्वल टू
पी इनटू द ब्रैकेट वन प्लस आर अपॉन 100 raised to n. तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 38,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 एंड n आ गया मेरा 60. ये आया, चलो इतना लिखो. तो ये 5 divided by 100 आएगा 0.005, करेक्ट. तो ये मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ. a इज इक्वल टू 38,400 इंटू द ब्रैकेट 1.005 raised to 60. ये आया. अब ये 60 को ब्रेक डाउन करने के मेरे पास बहुत तगड़े तरीके हैं, चिंता मत करना. पहले लिखो एक तो. है ना, प्लीज गो टू द लास्ट पेज. ये लिख के हो गया ना, वहां पे लिखना कैलकुलेटिंग nth पावर. हेडिंग देना, मैं भी लिख रही हूं, बस एक मिनट. कैलकुलेटिंग nth पावर ये मतलब समझाना, मुझे कोई भी पावर फाइंड आउट करने के लिए तरीके हैं. पहला पॉइंट, प्रेस रूट 12 टाइम्स. पहले लिखो बाद में समझाते. -1 इंटू एन प्लस 1 इंटू इक्वल टू का कॉम्बिनेशन 12 टाइम्स इंटू इक्वल टू का कॉम्बिनेशन 12 टाइम्स अब आप मेरे साथ जाएंगे. मुझे करना क्या है पता है, मुझे करना है 1.005 raised to 60. अब 12-13 बार होता तो हम वो प्रेस करके कर लेते हैं, बट 60 टाइम्स है तो कोई नया तरीका ढूंढ निकालेंगे. क्लियर, सब लोग अपने कैलकुलेटर पे 1.005 लेंगे. जब तक मैं ना बोलूं एडिशनली इक्वल टू का साइन भी प्रेस नहीं करना. 1.005 लिया, कुछ प्रेस मत करना, रुक जाओ मेरे लिए. हो गया. अब पहला स्टेप है, इसी के ऊपर रूट आप 12 बार डबाएंगे. वेट वन सेकेंड, उसके बाद इक्वल टू का साइन प्रेस नहीं करना है, समझे. प्रेस रूट 12 टाइम्स. आया, कुछ मत करना, जस्ट डू -1 बस. नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं, मैंने इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा तो आपने नहीं करना है. एडिशनल कांड नहीं करना अभी. इनटू गाइस, ये एन क्या होता है, ये एंथ पावर मुझे कैलकुलेट करना है. तो इस बार मुझे कौन सा पावर कैलकुलेट करना है, 60th पावर. तो आप इनटू 60 करेंगे. अगला स्टेप प्लस 1 है. अब एक मिनट, मुझे कैलकुलेटर देना होगा. अज्यूमिंग इन्होंने अब तक का सब कुछ सही किया है, मेरे सामने ये है. इसके बाद मैं इनटू एंड इक्वल टू प्रेस किया, एक काउंट किया. तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा है 1.34, अज्यूमिंग प्रीवियस स्टेप्स करेक्ट किए हैं. ठीक है, चलो सब लोग करो. 1.34 इंटू 60 करना. कहाँ तक पहुंचे आपका, प्लस 1 किया अभी, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करो. हितेश गलत हुआ तो फिर करेंगे, कौन सा टेंशन की बात. ज्यादा 1.34 आला, नाइस. 1.34 ये सबसे तगड़ा तरीका है. अगर मुझे यहाँ पे रूट फाइंड करना है ना, तो हम इनटू की जगह डिवाइडेड बाय एन करते, बस उतना ही फर्क है.
अगर मुझे पावर चाहिए तो हम इंटू एन करेंगे, रूट चाहिए तो बाकी सब यही होगा, बस इंटू की जगह क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हाँ, तो फॉर रूट, फॉर एंथ रूट, बस ऐसे लिख के लेना, हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय एन करेंगे, उधर ही लिखना। वन पॉइंट थ्री फोर आया हुआ है, आई होप सबका करेक्ट आया हुआ है। जाए क्या आगे, तो ए विल बी इक्वल टू 38,400 इंटू 1.34, करो कैलकुलेट और फाइनल आंसर बता दो। क्या लॉजिकली मार्क करना चाहिए, 400 मतलब ये वाला आना चाहिए क्योंकि ये छोटा है, एग्जाम में इतना फर्क नहीं होता है, बट ठीक है अगर आ भी गया तो हम लॉजिकली जाएंगे। 51,794, क्लियर करो, पक्का समझा क्या करना है, बाकी सब कुछ सेम ही था, किया हुआ था, लेकिन पावर 60 आया इसलिए मैंने एडिशनल सीख लिया। इज इट क्लियर? ट्वेंटी फिफ्थ होमवर्क के लिए दिया है, 26th। ट्वेंटी सिक्स साल है, हैव वी डन 26th? मेरे यहां पे तो नहीं दिख रहा है लेकिन हुआ है, नहीं हुआ है ना, चलो पढ़ते हैं। मिस्टर सिंह डिपॉजिट्स रुपीज 2,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years. How much does he accumulate at the end of 5th year at the interest rate of 6%? तो ये मुझे उसकी present value kind of पता है, मुझे ये जानना है कि end में कितना मिलता है, मुझे ये जानना है कि end में कितना मिलता है, ये समझे आप? क्या कर रहा है ये बंदा, 5 साल, हर साल की शुरुआत में 2,000 डिपॉजिट करता है, ऐसा कौन से इंटरेस्ट रेट के लिए करता है 6%? सवाल क्या पूछा है, जब ये 5 सालों के शुरू में दो हजार जमा करके आगे जाता रहेगा तो साल के एंड में उसको कितना पैसे मिलेगा, पक्का समझा? क्या यूज करेंगे, पहले ऐसा एक प्रॉब्लम किया है, चलो बताते हूँ। ए इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 + R / R इंटू द ब्रैकेट 1 + R/N - 1। कहाँ किया ये, कहाँ किया है? अपने फॉर्मूले में चेक करो, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला जो हमने लिखा है थोड़ी देर पहले, प्लीज चेक इट इन। अमाउंट डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर दिखाई दिया। चलो अब मैं ना आपकी हेल्प करती हूँ। पी आपका है 2,000, आर है 0.06 क्योंकि वो 6% को हम कन्वर्ट करके लेंगे, इनटू द ब्रैकेट 1 + 0.06 पांच सालों के लिए किया -1 करो, 5 सालों के लिए किया -1
ये बेसिकली आएगा 1.06। मुझे पहले इतना बताओ 2000 इंटू 1.06 अपॉन 0.06 कितना आ रहा है? जितने को मैंने इनसर्कल किया है मुझे पहले उतना ही बता दो। ये तीन नंबर्स को प्रोसेस करो ना, 2000 इंटू 1.06 अपॉन 0.06 कितना आया? 35,333। ये फाइनल आंसर नहीं है ना, तीन नंबर्स का है। हाँ ओके, अब ये आएगा 1.06 रेस टू 5। ये पांच बार ही करना है, आप कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हो, मतलब इंटू 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 कर सकते हो, रूट वाले अभी नए वाले मेथड की जरूरत नहीं है। ओके तो ये आएगा 1.33 माइनस 1, तो 35,333 इनटू द ब्रैकेट 0.33, मैंने माइनस 1 किया है। अब फाइनल आंसर बताओ, अब फाइनल आंसर बताओ। बी 11,659, थोड़ा बड़ा आना चाहिए एक्चुअली। पीछे आंसर 11,949 दिया है और उन्होंने डी मार्क किया है, और उन्होंने डी मार्क किया है। एक काम करते हैं, एक मिनट, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो 1.06 रेस टू 5 आया था ना, उसके चार डिजिट बताओ तो मुझे क्या आ रहे थे। करो एक बार फिर से। हाँ रेस टू 5 वाले चार डिजिट बताओ। आइडियली दो लिखा तो चलता है, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ 1.3382 माइनस 1, तो 0.3382 यहाँ आएगा। अब करो मल्टीप्लाई। हाँ अब आ रहा है डी। ठीक है तो अब से हम भी चार डिजिट्स लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। फोर डिजिट्स लिखे है। हाँ एक मिनट, नहीं 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 होता तो अभी जैसा उसमें एक्चुअली जो एग्जाम में प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें जो ऑप्शंस होते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तो अगर कोई एक ऑप्शन आपको 11,000 समथिंग दिया है जो आंसर के बहुत करीब है, तो दूसरा वाला बहुत दूर होता है, तो बच्चों को वो कंफ्यूजन होता नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 27। ए ने एक शॉप खरीदा है जिसका डाउन पेमेंट किया 48,750 और बचे हुए 60,000 रुपये एक साल के बाद पे किए। ओ बाद में पे किए, मतलब आपको समझा, इतना अमाउंट उसने मिलके पे किया, समझे कि नहीं समझे? ये अमाउंट साल के एंड में पे किया,
मतलब ये जो 60,000 है ना, इसमें इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है। एक साल रुका ना ये बंदा, एक साल मतलब एज गुड एज किसी ने उसको क्रेडिट दिया है, समझे कि नहीं समझे। सपोज आप मेरे 1,00,000 रुपए देना लगते हैं, आपने आज 50,000 लिए, 50,000 दिए और कहा मुझे कि बाकी के 50,000 एक साल में रिटर्न कर दूंगा, तो जो एक साल के एंड में तुम वैल्यू मुझे पे करोगे वो सिर्फ 50,000 नहीं होगी, उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। तो 50,000 प्लस समझ लेना 10,000 इंटरेस्ट है, तो आप मुझे रिटर्न करोगे 60,000। ये समझा कि नहीं समझा? फिर एक बार सुनना है क्या, एक बार और सुनना है। सी, आपने ना मेरे से 1,00,000 रुपए लिए थे और आपने कहा, मतलब 1,00,000 रुपए की कोई चीज ली थी, आपने कहा ये 50,000 रुपये आप क्या करो अभी ले लो एंड बाकी के 50,000 जो है मैं साल के एंड में दे दूंगा। अब तुम लोग ये साल के एंड में जब मुझे पे करोगे तो इसमें समझ लेना कोई इंटरेस्ट भी तो रहेगा, तो ये जो 60,000 रुपया है ये फ्यूचर वाला अमाउंट आपने मुझे पे किया है। इन शॉर्ट आपको ये बताया है, आपको ये डेटा नहीं दिया है अभी वाले प्रॉब्लम में, ये नहीं दिया है आपको, बस इतना कहा है कि 60,000 रुपये साल के एंड में आपने वापस किए हैं। तो इनिशियली ये वाला कंपोनेंट ढूंढना है, ये वाला मतलब दैट इज द ओरिजिनल प्राइस। 10,000 आपने एक्स्ट्रा क्यों दिए हैं? क्योंकि आपने मेरे से टाइम लिया था, अगर टाइम नहीं लेते तो ये दुकान 1,00,000 की मिल जाती, लेकिन आपने टाइम लिया तो आपको टोटल प्राइस कितना पे करना पड़ा, 1,10,000। ये सिचुएशन समझा आपको अच्छे से? देखो तो उन्होंने वही दिया है कि मेरा जो अमाउंट है वो 60,000 है, लेकिन ये कितने पे पे किया है वो नहीं दिया, प्रिंसिपल नहीं पे किया है, कितना बोरो आपने किया है। तो 60,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता, अब रुको एक मिनट, रुको रुको, ये तो पता चल गया। इधर एक और एडजस्टमेंट है, कौन सी? कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती है, यानी आपका जो आर है वो आर बाय टू होगा, हाफ ईयरली मतलब एन जो है वो 2n हो जाएगा। आपका आर 10 दिया है अपॉन 2, आर हो जाएगा 5। एंड आपको और क्या दिया है, एक साल के लिए लिया था तो मेरा एन क्या हो गया, 2। अब मैं लिखूंगी अमाउंट इज इक्वल टू, वॉट इज द प्रिंसिपल वो ढूंढ लेंगे, 1 + R विच इज फाइव डिवाइडेड बाई 100 रेस टू आएगा 2, क्योंकि मेरा नया आया है 2। ये समझा? पहले इतना करो, आओ और आगे भी करो, अभी आगे आ जाना चाहिए। हाँ गाइस, क्या आ रहा है प्रिंसिपल?
54,421, वेरी नाइस, ये प्रिंसिपल आया 54,421, ये आया कि नहीं आया? 1.05 का स्क्वायर क्या आ रहा है? का स्क्वायर 1.1025, तो 60,000 इज इक्वल टू पी टाइम्स 1.1025, ये अब नीचे जाएगा ना गाइस, 60,000 डिवाइडेड बाय 1.1025, खत्म। अब चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी करो। ऐड करायचं ना, हाँ, तो डाउन पेमेंट वाला पैसा और ये 60,000 वाला पैसा, ये दोनों चाहिए, लेकिन 60,000 में ओरिजिनली इंटरेस्ट भी एडेड है। एक मिनट जरा वो घाई मत करो, सबका ये आया क्या 54,420 के आसपास? पी वेदांत आपका वो नहीं आया, कैसे नहीं आया? 1.05 का स्क्वायर क्या आ रहा है? हितेश व्हाट योर कंडीशन? आ गया ना, हाँ वेरी गुड। अभी अब मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये देखो तो ये वाला पैसा कितना आया? 54,420, लेकिन इतना पैसा उस बंदे ने पे नहीं किया था टाइम पे, साल के एंड में पे किया, इसीलिए 54,420 की जगह उसे देने कितने पड़े? 60,000। तो जो ओरिजिनल डील थी, ओरिजिनल अगर आप पैसे तभी के तभी दे देते तो कितने देने पड़ते? ये वाली अमाउंट प्लस ये वाला पैसा, ये पूछा है इसलिए आंसर नहीं आ रहे, समझे आप? उन्होंने पूछा है इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितना पैसा परचेज प्राइस पे एग्री हुआ था, तो वो 48,750 प्लस 54,420 आएगा, तो एक्स्ट्रा 60,000, मतलब और पैसा क्यों देना पड़ा? आपने टाइम पे दिया नहीं ना, साल भर उसका पैसा खुद के पास रख लिया, इसीलिए उसने इंटरेस्ट पे किया करना पड़ा उसको, आपने समझे कि नहीं समझे? चलो ऐड करो, 54,420 प्लस 48,750, ऐड करो जल्दी जल्दी, 1,00,000 समथिंग आना चाहिए। हाँ 1,03,000 समथिंग भी आ रहा है। 60,000 ऐड किया क्या? हाँ 60,000 ऐड नहीं करना है, ओरिजिनल परचेस प्राइस पूछा है, 60,000 मतलब आपने एक्स्ट्रा पे किया 54,420 की जगह, साल भर उसका पैसा यूज करने के कारण। समझे कि नहीं समझे सब बच्चे? 29th बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं था ना, चलो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो मैं सही लिख रही हूं क्या नहीं लिख रही हूं, V is equal to P upon R into 1 minus
वन अपॉन वन प्लस आर एस टू एन। इंस्टॉलमेंट के लिए यही फॉर्मूला है क्या, चेक करो, पीछे जाओ, यही है क्या? हाँ, तो आपको वैल्यू दिया है ये वाला, ये बोरो किया है ना, टोटल बोरोड अमाउंट 1895। पी मुझे नहीं पता, आर क्या है 5, तो उसको डिवाइडेड बाय 100, 1 माइनस 1 प्लस 0.05 रेस टू, तीन इंस्टॉलमेंट्स हैं साल में, मतलब एक बार कंपाउंडिंग होगी तो ये 3 आएगा। मैं गाड़ी आपकी थोड़े आगे धक्के पे लगा देती हूँ, फिर आपका वेट करूँगी। चलो आप करो, आप करो, ये आपकी जॉब है। वन पॉइंट जीरो फाइव का क्यूब क्या आ रहा है, 1.05 का क्यूब क्या आ रहा है, 1.157। ओके, हाँ एक मिल सकता, 6। तो अब 1 डिवाइडेड बाय ये करना, पहले ये प्रोडक्ट भी करना, करो जरा, मैं वेट करती हूँ आपका। आ गया, मैंने नहीं किया है इतना भी, अब मदद नहीं करूंगी आपको, आ रहा है अभी, पहले इतना करो, आप ऑप्शंस बताओ, ठीक आना चाहिए। थर्टीन थाउजेंड नहीं, एक काम करो, मुझे ये बताओ कितना आ रहा है, 1 अपॉन ये कितना आ रहा है, पूर्ण सांग ना, 0.1576। एक मिनट, हाँ चार आंकड़े सांग।
ठीक है चलेगा। ये बताओ ये कितना आ रहा है, ठीक है अब मुझे बताओ ये सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है। ऐसा आ रहा है, डिवाइड करो, स्टेप वाइज जाओ ना कैलकुलेशन में, स्टेप स्किप करोगे तो बीच में गलतियां हो सकती है। आया इतना आ रहा है, टी आ रहा है, स्टेप वाइज जाओ तो गलती नहीं होगी। वेदांत आया, फॉर्मूले बस उतने ही चलेंगे जितने मैंने लिख के दिए हैं और उसके बाहर का कुछ आना ही नहीं है।